प्यारे बच्चों, आज हम सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करने का एक डायग्रामेटिक मेथड सीखेंगे, जिसे हम बेन डायग्राम या बेन आरेख कहते हैं। तो बेन आरेख है क्या, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। जॉन बेन ये ब्रिटिश लॉजिशियन तर्कशास्त्री थे। अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जिन्होंने इस मेथड को इजाद किया था, इसलिए इनके नाम पे ही इसे बेन डायग्राम यानी बेन का आरेख कहा गया, बेन आरेख कहा गया। अभी तक हमने रोस्टर प्रणाली देखी थी, रोस्टर सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हमने देखा था। ये दो तरीके हम सीख चुके थे किसी सेट को रिप्रेजेंट करने। तीसरा तरीका जो है ये बेन आरेख का है। इसमें हम करते क्या हैं कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, आयत बनाते हैं, और यह जो आयत होता है यह रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। जिसे हिंदी में समस्त समुच्चय कहा है। यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होंगे, उप समुच्चय होंगे, उनको हम इसी के भीतर सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इस यूनिवर्सल सेट का एक उप समुच्चय ए है तो उसको हम इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरा समुच्चय सपोज कीजिए ये बी है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने उप समुच्चय आपको लेने होंगे वो सब इसमें कंटेंड होंगे। अब देखिए यहाँ पे ए तो है ही, एक सबसेट ए है, एक सबसेट बी है, तो ऐसा नहीं है कि यही दो सबसेट है, अन्य सबसेट नहीं हो सकते। हमारी जिस सबसेट की नीड होगी उसे हम ए और बी के रूप में या सी के रूप में ले सकते हैं, किंतु इसमें आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो आयत है यह यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ए भी कंटेंड होगा, ए भी कंटेंड होगा, साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, तो जिन्हें हमको स्टडी में अपने नहीं लेना है तो हम उनको मान के चलते हैं वो इस सर्किल के बाहर और रेक्टेंगल के भीतर कहीं स्थित होंगे। तो इस ए और बी के अलावा जो एलिमेंट यू में हैं वे कहाँ कंटेंड होंगे, इस सर्किल के बाहर तथा रेक्टेंगल के भीतर, अर्थात इस प्लेस पे स्थित होंगे कहीं ना कहीं। अब इसमें एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, अभी तक रोस्टर सिस्टम में हम लिखते थे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एलिमेंट्स को सामान्यतः स्मॉल लेटर में लिख दिया जाता था। यहाँ पे भी हम कुछ वैसा ही करेंगे, ए है, ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सब को हम इसके अंदर लिखने का प्रयास करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इज डन। जो बी में कंटेंड होंगे उन एलिमेंट्स को हम बी सर्किल के अंदर लिखेंगे, और अभी हम देखेंगे कि जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों
एक दूसरे में अगर एक ए में भी है और बी में भी है तो उसको हम कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, ए में भी हो और बी में भी हो। तो अगर इस सेट को हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो जो ए और बी दोनों में होंगे उनको जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे इस वाले में सेवन हमने लिया है तो सेवन यहाँ लिख लेंगे। अब यह सेवन ए वाले सर्किल के अंदर भी है और बी वाले सर्किल के अंदर भी है, तो इस ढंग से हम किसी बेन आरेख में एलिमेंट्स को एंट्री देते हैं, प्रवेश कराते हैं। जैसे हम कहें कि यदि हम एक सेट ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम ले लें जेड, इट इज सेट ऑफ इंटीजर। जो ये सेट ऑफ इंटीजर होगा इसे अगर हम यूनिवर्सल सेट मान लें, तो दो सेट इसके इस ढंग से, ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया जेड, तो चूंकि जेड हमारा यूनिवर्सल हम ले रहे हैं इसलिए इसको हम रेक्टेंगल से दिखा रहे हैं जेड को। एक सेट इसका हम ले रहे हैं ए और दूसरा ले रहे हैं बी। ए में वे सारे एलिमेंट हम ले रहे हैं जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं एंड सो ऑन। बी को हम इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन, नेगेटिव नंबर्स। तो ये तो ए हो गया, आपको दिख रहा है कि नेचुरल नंबर दिख रहा है। बी जो है ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं। और एक एलिमेंट और जेड में होता है जो जीरो है, तो जीरो कहाँ कंटेंड होगा? निश्चित तौर पे जीरो इस रेक्टेंगल और इन दो सर्कल्स के बाहर कहीं स्थित होगा। ये जीरो कहाँ का भाग होगा? ये इस रेक्टेंगल के अंदर और इन सर्कल्स के बाहर कहीं स्थित है। तो इसको हम दिखाते नहीं हैं, जीरो को हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये कंसीडर किया जाएगा कि जीरो निश्चित तौर पे अगर ये यूनिवर्सल सेट जेड है तो जीरो इन दोनों सेट्स सबसेट्स के बाहर कहीं बैठा होगा। तो जो हमारी नीड जिन सेट्स की है उसको तो हम प्रदर्शित कर देंगे, और जिसकी नीड हमें नहीं है न्यूमेरिकल्स में या जिसे हमें प्रदर्शित नहीं करना है उस सेट को हम यहाँ पे कुछ भी लिखते नहीं हैं। लेकिन ये माना जाता है कि यदि जेड में जितने भी एलिमेंट विद्यमान हैं वो ए में स्थित हो गए, इसके एक सबसेट ए में हो गए, दूसरे सबसेट बी में हो गए, इसके बाद जितने भी बचे हुए एलिमेंट होंगे वे सारे के सारे इस रेक्टेंगल में स्थित होंगे, ऐसा मान लिया गया, तो यह इसका नोटेशन सिस्टम है बेन डायग्राम का। बेन डायग्राम पर यदि आप एक क्वेश्चन देखें, कुछ हो सकता दिया गया हो, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बेन डायग्राम के कोई न्यूमेरिकल इन्होंने एक्सरसाइज में नहीं दिया है। जब हम इस ऑपरेशंस सेट थियरी में ऑपरेशंस को सीख लेंगे तब हमें बेन डायग्राम की अहमियत पता चलेगी कि कितने आसानी से हम डायग्रामेटिकली अपने रिजल्ट को आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे ऑपरेशंस इन सेट थियरी देखते हैं। ऑपरेशंस में सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट।
यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, हम इसके पहले जैसे जोड़ने की क्रिया, घटाने की क्रिया, गुणा करने की क्रिया या भाग करने की क्रिया, फ्रैक्शन निकालने की क्रिया, ये सारी क्रियाएं सामान्य मैथमेटिक्स में करते आए, तो कुछ ऐसा ही सेट्स के संबंध में भी है। सेट्स में जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को नाम दिया गया है। एक ऑपरेशन आपका यूनियन है, एक आपका इंटरसेक्शन है, ऐसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा। ये अलग अलग ऑपरेशंस हैं जिसके बारे में हम अब सीखते हैं। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स की चर्चा करते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक सेट ए है, 1, 2, 3 एंड 4, और एक दूसरा सेट ले लें बी जिसमें कंटेन्ड हो 2, 4, 6 एंड 8। अब अगर हम यूनियन ले रहे हैं, यूनियन का संबंध जो इसमें भी हो इसमें भी हो, यूनियन की डिफिनेशन है जुड़ा हुआ, जो जोड़े लोगों, एक दूसरे की कॉमन चीजें जो होंगी वो यूनियन के अंदर आ जाएंगी। तो डिफिनेशन अभी हम करते हैं, पहले ऑपरेशन में देखिए होता क्या है। इस यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, आपके यहां यू से रिप्रेजेंट किया गया। इसी चीज को जब आप कंप्यूटर में देखते हैं तो वहां पे प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कहीं कहीं यहां पे भी प्लस साइन यूज कर लिया जाता है, लेकिन इस चैप्टर एनसीईआरटी में यू सिंबल ही यूज किया गया है यूनियन के लिए। तो ये हमारा सिंबल है। अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी आएगा क्या? ऐसे अवयव जो या तो ए में हों और या बी में हों, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो या से शुरू होती है, या इसमें हो या इसमें। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए एक लाइन ले लिया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और एक दूसरे नंबर लाइन ले लिया 5, 6, 7, 8। अगर हम इन दोनों लाइन को जोड़ लें तो क्या होगा? अगर ये जुड़ेंगे दोनों तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अर्थात यूनियन में ये इसके सारे एलिमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ इसके भी सारे एलिमेंट इसमें कंटेन्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से हम देखेंगे कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी, इसको लिखने का तरीका है, पहले वाले सेट को तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए, अब दूसरे वाले सेट में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें देखिए कि कौन सी चीज़ें हमारे पहले वाले में भी कॉमन थी, उसको आप छोड़ दीजिए। तो 2 और 4 ऑलरेडी हम पहले भी लिख चुके हैं, इसमें लिख चुके हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे। 6 और 8, यही हमारा ए यूनियन बी होगा। हम इसको क्यों नहीं लिए? क्योंकि आप जानते हैं कि सेट लिखते समय एक ही एलिमेंट की बार बार रिपीटेशन नहीं की जाती, और यहाँ पे जो सेट ए और बी दिए गए हैं इसमें दो देखिए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो यूनियन में एक बार अगर 2 आ गया है तो दोबारा हम यहाँ वाले 2 को एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि एक बार तो 2 आ ही गया है। ऐसे ही यहाँ पे 4 एक बार आ चुका है तो दोबारा हम 4 को एंट्री नहीं देंगे। तो इस ढंग से हम यूनियन कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसे डेफिनेशन के रूप में रखें इफ ए एंड बी बी 2
assets, then A union B is another set which contains elements of A and B both. यूनियन क्या है? जो A और B दोनों के एलिमेंट्स को कंटेंड करे. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट को कंटेंड नहीं कर रहा है, कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हों. वो इंटरसेक्शन की डिफिनेशन में आता है. यहाँ पे A यूनियन B इज अनदर सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ A एंड B. मैंने यहाँ पे दिखाया था A के जितने एलिमेंट्स थे वो आ गए और B के जितने एलिमेंट्स थे वो भी इसमें आ गए. B के 2, 4, 6, 8 थे तो 2, 4, 6, 8 ऑलरेडी हैं इसमें. ऐसे ही A के जितने एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4 इसमें कंटेन्ड है. तो इस डिफिनेशन में कुछ ऐसा होगा कि A के भी एलिमेंट कंटेंड होंगे और B के एलिमेंट्स भी कंटेंड होंगे. अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इफ X बिलोंग्स इन A एंड Y बिलोंग्स इन B, then X and Y will belong in A union B for every X belonging in A and for every Y belonging in B. इस ढंग से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यदि x कोई अवयव है a का और y कोई अवयव है b का, तो x एंड y, x और y दोनों कंटेंड होंगे a यूनियन. यहां एंड लगा है, ध्यान रखिएगा. x एंड y विल कंटेंड इन a यूनियन b. X और Y A यूनियन B में स्थित होंगे. इसके लिए फॉर एवरी, ये निशान आप जानते हैं, ये है फॉर एवरी का, फॉर एवरी या प्रत्येक का. तो यहां पे देख रहे हैं डिफिनेशन में फॉर एवरी X बिलोंगिंग इन A एंड फॉर एवरी Y बिलोंगिंग इन Y. ऐसा नहीं केवल एक एक्स के लिए, बल्कि इस ए में जितने भी एक्स होंगे सब कहां आ जाने चाहिए? ए यूनियन बी में आ जाने चाहिए. तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका यह भी. इसी को अगर हम कन्वर्स रूप में लिखें, एक और तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का होगा कि इफ X belongs in A union B यदि हम A union B ले, इसमें कोई एक एलिमेंट X है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हमने यहां पे भी देखा था A union B is equal to 1, 2, 3, 4, 6, 8. तो यदि इसमें कोई एक एलिमेंट 3 है तो ये क्या इंगित कर रहा है? कि या तो 3 A में होगा या 3 B में होगा, तभी तो वह A यूनियन B में आया है.
तो वही चीज हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं कि यदि एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन बी देन एक्स विल बिलोंग इन ए, या तो एक्स ए में होगा या कहाँ होगा, बी में होगा, और एक्स बिलोंग्स इन बी। देखिए जब एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग करेगा ए में या एक्स बिलोंग करेगा बी में। यहां से आप देख सकते हैं इस उदाहरण से कि हमने किसी एक को मान लीजिए ले लिया, थ्री को यहां से लिया। अब इस डेफिनेशन से थ्री बिलोंग कर रहा है किसमें, एक्स की जगह अगर हम थ्री ले लें तो थ्री बिलोंग इन ए यूनियन बी। अब यह डेफिनेशन कह रही है कि यदि ऐसा है तो एक्स मस्ट बी बिलोंग इन ए, या तो एक्स को ए में होना चाहिए और या फिर कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक्स कहाँ पे है, ए में कंटेंड है। तो ये तीन रूपों में हम इसको दिखा सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक तो यह डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक दूसरे डेफिनेशन इस ढंग से दे सकते हैं और तीसरा इस ढंग से दे सकते हैं। अगर कहीं पे ऑपरेशंस प्रूफ करने को आएंगे तो हम इन सिंबल्स का प्रयोग करेंगे जिससे लिखने में थोड़ा सा हमें सहूलियत होगी। और ये आपके डेफिनेशन लैंग्वेज फॉर्म में। अब इस पर कुछ ऑपरेशंस यूनियन की कुछ विशेषताएं हैं। अब वो विशेषताएं क्या हैं उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले ये कम्यूटेटिव होते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो ऑपरेशंस हैं ये कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव रूल, क्रम विनिमेय। कम्यूटेटिव या क्रम विनिमेय होते हैं। क्रम विनिमेय का मतलब क्या हुआ, जैसे हम अभी तक जो ऑपरेशंस करते थे 2 प्लस 3 करते थे या 3 प्लस 2 करते थे, दोनों की वैल्यू सेम आती थी। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 करने पर वैल्यू सेम आने का मतलब क्या है, हमने क्रम को पलट दिया फिर भी जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। तो यही क्रम विनिमेय है। अब हम यूनियन ऑपरेशन पर क्रम विनिमेय देखें कैसे होगा। इसका मतलब होगा यदि हम ए यूनियन बी कर दें तो वैल्यू सेम आएगी जो बी यूनियन ए की आएगी। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, एक मैं करके दिखा भी रहा हूं किंतु आपकी बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया गया। कैसे हम करेंगे जरा सा देखते हैं। यदि हम मान लें कि यदि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो ये तभी बराबर होगा जब एक्स इसमें भी चला जाए। अब इस डेफिनेशन में जो अभी हमने लिखा था कि एक्स बिलोंग इन ए यूनियन बी, इस डेफिनेशन को आप ओपन करें तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग इन ए और एक्स बिलोंग इन बी। यही डिफिनेशन हमने लिखी थी, जो थर्ड पॉइंट लिखा था डिफिनेशन। अब अगर हम इसको ऐसे लिखा गया है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्स बिलोंग इन बी और एक्स बिलोंग इन ए, केवल मैंने उलट दिया। जो यह सेंटेंस कहना था उसको हमने बाद में कह दिया, जो बाद में कहना था उसको हमने पहले कर दिया, तो ऑलरेडी ये चीज हो गई। तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स इन
बी यूनियन ए। भाई यदि एक्स बिलोंग कर रहा है बी में और एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो निश्चित तौर पे एक्स विल बिलोंग इन बी यूनियन ए। और आप एक डिफिनेशन देखे थे सबसेट की, उसमें लिखा गया था कि इफ एक्स बिलोंग्स इन ए एंड एक्स सॉरी दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स इन बी, यदि एक्स ए में हो और एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा, तो ऐसे जगहों पे हम कहते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऐसा हम लिख चुके हैं सबसेट वाले केस। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अब इसको हम वन कर दें। अब इसका उल्टा हम मान के चलें कि लेट एक्स बिलोंग इन बी यूनियन ए, दिस इंप्लाइज एक्स विल बिलोंग इन बी और एक्स विल बिलोंग इन ए। इस डेफिनेशन को जब हमने ओपन किया तो ऐसा आया। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स विल बिलोंग इन ए और एक्स विल बिलोंग इन बी। यानी हमने केवल इसका जो मतलब था उसी को उलट के लिख दिया। अब जो वैल्यू आ गई ये क्या आ गई, एक्स विल बिलोंग इन ए यूनियन बी। यदि एक्स इसमें है और एक्स जो यहाँ एक्स विद्यमान है वही एक्स यहाँ पे भी पहुँच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो होगा वो इसका सबसेट होगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज बी यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए, ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, यानी बी यूनियन ए ए यूनियन बी का या तो सबसेट है या इक्वल है, और जस्ट उसके नीचे ए यूनियन बी या तो बी यूनियन ए का सबसेट है या इक्वल है। तो अगर यह इसका सबसेट है तो और यह इसका सबसेट है, तो हम ये कहेंगे कि निश्चित तौर पे ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल सेट ही होंगे। भाई यहाँ पे भी इक्वालिटी है, यहाँ पे जैसे हम कहें कि 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते थे, इससे हम यही निष्कर्ष निकालते थे कि ग्रेटर देन अगर 4 टू पावर स्क्वायर से ग्रेटर देन है और एक जगह 2 स्क्वायर जो है ये 4 से ग्रेटर देन है, तो एक बार यह बड़ा है एक बार यह बड़ा है और बीच में इक्वालिटी भी लगी है, बराबर भी हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पे कौन संभव होगा, जो बराबर वाला निशान होगा 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यही सही होगा। ऐसा हम जनरल मैथमेटिक्स में करते आए। तो यह चीज यहाँ पे जो नीचे इक्वालिटी है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यही आपको दे देगी कि यह ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और यही क्या है आपका कम्यूटेटिव रूल। आपके यहाँ प्रूफ नहीं दिया है बुक में, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस प्रूफ को करिएगा, एक मैंने आपके लिए करा दिया, अन्य भी आप कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत आएगी और आप व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं हमको सर इसका प्रूफ बता दीजिए, तो आप
हम इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप से आप हमारे ग्रुप से संपर्क करिएगा, मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। तो पहला तो क्रम विनिमय था, क्रम विनिमय रूल या कमुटेटिव रूल कुछ इस ढंग से था। सेकेंड रूल है एसोसिएटिव रूल, जिसे कहा जाता है साहचर्य का नियम। एसोसिएटिव रूल या साहचर्य का नियम, ये इसका भी पालन करता है। साहचर्य का नियम क्या है? यदि ए यूनियन बी यूनियन सी हो, यानी तीन सेट अगर हम ले लें, पहले हम ए यूनियन बी का सेट यूनियन निकालें, ए और बी का यूनियन निकालें, और फिर जो यूनियन आए उसमें ए का यूनियन और ले लें, तो जो वैल्यू आएगी वह ए यूनियन बी पहले निकाल लें और फिर जो आए उसमें सी का यूनियन निकालें तो वैल्यू सेम होगी। इस चीज़ को आप प्रूफ करिएगा। ये ऐसे ही है, हम जैसे कहें 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। जैसे हम इसके पहले गणित में कर चुके हैं, सेम ऐसे ही सेट के ऑपरेशंस के लिए भी यह रूल लागू होता है। नेक्स्ट इसका एक है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। तीसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट, आप यूनियन। आइडेंटिटी क्या होती है? गणित के सेंस में आइडेंटिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैथ प्लस के संदर्भ में आइडेंटिटी होती थी, जैसे हम 2 में 0 जोड़ते थे तो कितना आता था, वो 2 ही आ जाता। तो यहाँ पे 0 जो होता था ये आइडेंटिटी कही जाती थी, आइडेंटिटी ऑफ प्लस, अर्थात यूनिवर्सल सेट में विद्यमान वह एलिमेंट जिसे हम उस ग्रुप में विद्यमान या उस सेट में विद्यमान किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो उसकी जो वैल्यू आ जाए वह स्वयं उस एलिमेंट के बराबर आए। जैसे हमने 2 लिया, 2 में अगर 0 को जोड़ा तो 2 ही आए, 5 ले लें इसमें 0 को जोड़ें तो 5 ही आए। तो आइडेंटिटी वह एलिमेंट होता है जिसको यदि हम किसी सेट के साथ यूनियन लें तो वह सेट स्वयं आ जाए। जैसे हम लें एक सेट ले लें, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होंगे? जैसे हमने कहा कि लेट ए बी एनी सेट, और आप जानते हैं यदि ए कोई सेट है तो निश्चित तौर पे फाई जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। यदि हम ए का यूनियन फाई के साथ ले लें, ए का यूनियन फाई के साथ ले लें तो क्या आएगा? ए ही निकल गया था। कैसे? हम अगर ए की जगह पे 1 2 3 ले लें और दूसरा सेट हमारा फाई, फाई का मतलब आप जानते हैं कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए यूनियन फाई क्या आ जाएगा? ए यूनियन फाई विल बी इक्वल टू यस सच दैट यस बिलोंग्स इन ए और यस बिलोंग्स इन फाई।
अब फाई में तो कुछ होता ही नहीं, जो एक्स ए में बिलोंग होंगे वही इसमें आ जाएंगे, दैट विल गिव यू 1, 2 एंड 3। तो ए यूनियन बी 1, 2, 3 आ गया, और यह जो है वो है क्या, ए ही है। तो इस ढंग से आइडेंटिटी एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं, किसी भी सेट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट उसका होगा इस ऑपरेशन यूनियन के लिए वह फाई होता है। एक इसमें है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, आइडेम्पोटेंट लॉ यह कहता है कि यदि ए का हम ए के साथ ही यूनियन ले लें, ए का स्वयं के साथ अगर उसका यूनियन ले लें तो जो वैल्यू आती है वो ए आती है। यदि ए का ए के साथ यूनियन तो वैल्यू ए ही आएगी, क्योंकि हम ऐसा इसलिए है कि आप जानते हैं इस यूनियन में यक्स बिलोंग्स इन ए होगा, इस वाले ए में आर यक्स बिलोंग्स इन ए होगा इस वाले ए का। तो जब एक बार हम इस ए के एलिमेंट्स को लिख लेंगे तो दोबारा इस वाले ए के एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह जो एक बार लिखा हुआ आएगा वही क्या होगा, ये आपका सेट बन जाता है। तो आइडेम्पोटेंट रूल के अनुसार ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है। एक लास्ट है लॉ ऑफ यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनियन ऑफ या विद यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इसका यूनियन लें, अगर कोई सेट हमने ए लिया, इसका यूनियन ले लिया यूनिवर्सल सेट के साथ, यह जो सिंबल है ये यूनियन के लिए है और यह जो सिंबल हमने यूज किया है ये यूनिवर्सल सेट के लिए। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो निश्चित तौर पे क्या आएगा, यही यू आ जाएगा। क्योंकि U क्या है, ये सुपरसेट है A का, और जो सुपरसेट होगा यूनियन में वही उसका यूनियन बनता है। जैसे हम कहें कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B विल बी इक्वल टू B, यानी जो बड़ा होगा। अगर ये सबसेट है इसका मतलब क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या निकल गया है, ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेंड हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट विद्यमान होंगे, और हम जब इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, ए के अवयव तो आने ही चाहिए साथ ही साथ बी के अवयव भी आने चाहिए, तो इन दोनों को कंटेंड करता हुआ एक सेट हमको प्राप्त करना है, तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, बी होगा, चूंकि वो बड़ा है। इसको एक उदाहरण से अगर हम देख लें, जैसे हम कहें कि हम ए ले लिए 1, 2, 3 और बी ले लिया हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन्ड है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब अगर हम ए और बी का यूनियन लें तो क्या आएगा, ए के तीनों एलिमेंट्स तो लिख ही लेंगे 1, 2 एंड 3। अब जो बी के एलिमेंट्स अभी हमने नहीं लिखे हैं और बचे हुए हैं उनको भी लिख लेंगे 4, 5। अब ये यूनियन बी में क्या क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5 ये है कौन सा सेट? सिंपली दिख रहा है ये बी है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? बी। तो ये हमने एक उदाहरण के द्वारा प्रूफ किया है। और आप जानते हैं कि कोई सेट अपने यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर ऐसा है तो इस वाले रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं? दिस इंप्लाइज ए यूनियन यू, ए यूनियन यू, जो बड़ा वाला सेट होगा वही आ जाता है, तो बड़ा इसमें यूनिवर्सल सेट होता है, सी इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, यू आ जाएगी। मेरी समझ से यूनियन के जो ऑपरेशंस थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।